बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माय डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 16 और इलस्ट्रेशन नंबर 12 इस लेक्चर के अंदर। तो पहले पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 और ये है जी आपका 228 पेज है बुक का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2004। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक, ये पासबुक का बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है 12,000 रुपया। नंबर टू है चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 32,000 रुपीज 36,000 रुपीज 40,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ एंड अ चेक फॉर रुपीज 36,000 वाज प्रेजेंटेड टू द बैंक ऑन 2 जनवरी 2005। देखे जी, एक दो तीन, तीन चेक्स जो हैं वो जारी किए गए हैं 32,000, 36,000 और 40,000 का, लेकिन जो 36,000 का चेक है वो प्रेजेंट हुआ जाके 2 जनवरी को, 2 जनवरी को। अब दिसंबर तक तो वो प्रेजेंट ही हुआ भाई, क्लियर है या नहीं क्लियर? तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये एंट्री अनप्रेजेंटेड चेक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 36,000 रुपए से हम इसे डेबिट कर देंगे। और आगे है नंबर तीन पे, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और रुपीज 48,000, ठीक है जी, रुपीज 60,000 और उसके बाद है रुपीज 12,000 एंड रुपीज 40,000 इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। चार चेक जारी किए गए हैं 48,000, 60,000, 12,000 और 40,000 के आखिरी हफ्ते में दिसंबर के। बट ऑफ दीज चेक्स रुपीज 12,000, 40,000, लेकिन 12,000 और 40,000 वाला जो चेक है वर कलेक्टेड ऑन 3 जनवरी, वो 3 जनवरी को कलेक्ट किया गया, दिसंबर तक वो कलेक्ट नहीं हुआ। तो ये अनकलेक्टेड चेक है, ये पासबुक की क्रेडिट एंट्री है, इसे आप क्रेडिट करोगे 12,000 और 40,000 दोनों को जमा करके। पास 48,000 और 60,000 हो गए हैं, उनका कोई जिक्र नहीं किया गया, जनवरी वाले हमने ले लेने हैं, दोनों को जमा करके क्रेडिट करेंगे। चौथी ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक रुपीज 4,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। कहते हैं इंटरेस्ट डेबिट हुआ पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में, मगर इसे कैशबुक में क्रेडिट नहीं किया गया, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है और ये कैशबुक की क्रेडिट एंट्री है। ये इसके साथ ही 247 सफा पर आ जाएं दोबारा से, और यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 16 जो आज हमने इस इलस्ट्रेशन के साथ एज अ होमवर्क करना है। बड़े ही ध्यान से, ये बड़ा अहम सवाल है, मैं बोलता जाऊंगा, आप इसको नोट करते जाइए साइड पर, जिसको मैं डेबिट बोलूंगा उसको आप अंडरलाइन करके डेबिट कर दीजिएगा समझ के, जिसको मैं क्रेडिट बोलूंगा उसको आप क्रेडिट कर दीजिएगा लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से आप करें ये काम तो ज़्यादा बेटर है, किताब पर भी गांधरी पड़ता और समझ भी आ जाती है, जब आप इसे सॉल्व कर लें, हल कर लें, तो फिर आप उसे रेस कर दीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक फ्रॉम अंडर मैंशनड आइटम्स एज ऑन 31 दिसंबर 2004। और ये अब मुझे करना पड़ेगा, ये मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये करें, क्योंकि इसमें एक नया टॉपिक आया है रिवाइज्ड कैश बुक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 16 जो है ये किस तरह से हमने करनी है। प्रॉब्लम नंबर 16 मैं आपके सामने करने लगा हूँ वो रिवाइज्ड कैश बुक के साथ। रिवाइज्ड का मतलब आप समझते हो कि कोई कैश बुक बनानी है, कैश बुक आप ऑलरेडी समझ भी चुके हैं किस तरह बनती है, तो हम इस तरह से कैश बुक बनाएंगे और इसे नाम देंगे हम रिवाइज्ड कैश बुक। इसको लेजर टाइप बना देंगे, ठीक है जी, इस तरह, बस रिवाइज्ड कैश बुक, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे किस तरह से करते हैं काम, मार्केट नोट रहा था मैं। अब इसमें देखें 16वें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले है, पहली एंट्री कैश एंड चेक टोटलिंग रुपीज 1,47,800 वर सेंट टू द बैंक इन मंथ ऑफ दिसंबर। कहते हैं कैश और चेक्स हैं 1,47,800 के, ये हमने सेंट किए हैं बैंक में, जमा करवाए हैं दिसंबर में, बट आउट ऑफ देम वन चेक फॉर रुपीज 18,000, मगर उनमें से एक चेक है 18,000 रुपए का, वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 2 जनवरी 2005, वो क्रेडिट हो गया पासबुक में 2 जनवरी 2005 को। तो हम सिर्फ 18,000 रुपए से एंट्री करेंगे और ये 18,000 रुपए से जो एंट्री है वो कैशबुक में नहीं होती, ये बनती है एंट्री अनकलेक्टेड चेक्स, यानी चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड के नाम से, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड के नाम से। तो लिहाजा ये जो एंट्री है ये पासबुक में आएगी, इधर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगी, इधर नहीं आएगी, इधर सिर्फ वो एंट्री आएगी जिनका ताल्लुक कैशबुक से है,
जो मैंने शुरू में आपको कैशबुक की डेबिट एंट्रीज और कैशबुक की क्रेडिट एंट्रीज करवाई हैं, सिर्फ वो यहां पर रिवाइज्ड कैशबुक में आएंगी। जो अनकलेक्टेड चेक और जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसी तरह बनेगा, वहां पर आएंगी। तो ये यहां पर नहीं आएगी, जहन में बिठा लें कि जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, अनकलेक्टेड चेक्स जो है 18,000 रुपया क्रेडिट होगा। ओके जी, सेकेंड है, On 26th December, checks were issued in favor of creditor for ₹38,000. हमने 26 दिसंबर को जो क्रेडिटर थे हमारे, जिनके पैसे हमने देने थे, जो हमारे ऊपर लायबिलिटी थी, उनको चेक जारी कर रखे हैं 38,000 रुपए के 26 दिसंबर को। बट आउट ऑफ देम 2 checks फॉर ₹28,000, मगर उनमें से 2 checks है 28,000 रुपए के, वर एनकैश्ड ऑन 3rd January 2005। वो 3 जनवरी 2005 को क्रेडिट हुए हैं। तो अब हम सिर्फ 28,000 रुपए से एंट्री करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, एनकैश्ड हुए हैं, यानी कि कैश हुए हैं 28,000 रुपए के जनवरी में जाके, तो ये जनवरी वाली रकम से अनप्रेजेंटेड चेक, यानी पहली 2 एंट्रियां बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की है, इंशाल्लाह वो इधर मैं करूंगा, वो रिवाइज कैशबुक से रिलेटेड नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कैशबुक वाली एंट्रियां इधर आप किया करेंगे और दूसरी एंट्री नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, नंबर 3 है, वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक ₹5,000, बट इट वाज नॉट मेंशनड इन द कैशबुक। हमारा एक ग्राहक है, उसने बराह-ए-रास्त हमारे बैंक में रकम जमा करवा दी, हम अभी हमने कैशबुक में उसका रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैशबुक में डेबिट होगा। तो आइए, ये रिवाइज कैशबुक है, इधर हम लिख लेंगे कस्टमर डायरेक्टली पेड, कस्टमर डायरेक्टली पेड इन बैंक, ये कैशबुक की डेबिट एंट्री है और ये है 5,000 रुपए की, मेंशन नहीं की गई थी इधर, हमने मेंशन कर दी कैशबुक की डेबिट साइड पर। ये कितनी एंट्री आई है जी इधर, ये आई है तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ एंट्री, द ट्रेडर हैड विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक ₹14,000, ताजर ने 14,000 रुपए निकलवाए हैं बैंक से, बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैशबुक, मगर वो उनको कैशबुक में एंटर नहीं किया, जब उसने निकलवाए हैं बैंक से तो कैशबुक में क्रेडिट होना है, तो ड्रॉन फ्रॉम बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, कितने के हैं 14,000 रुपए के, तो इधर 14,000 हो गया जी, क्लियर। ये अभी अब आगे चलते हैं, चौथे के बाद पांचवी एंट्री है, ये चौथी एंट्री थी, मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये फोर्थ एंट्री है। पांचवी एंट्री देखें, ऑन 29 दिसंबर अ चेक फॉर ₹12,000 वाज रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैशबुक बट हैड बीन ओमिटेड टू बी सेंट टू द बैंक। कहता है 12,000 रुपए का चेक है, कितने का 12,000 रुपए का चेक है, जो कि क्या किया गया, रिसीव किया गया और उसे बैंक में लिख भी लिया गया, उसे कैशबुक में लिख लिया गया, मगर हम उसे ओमिटेड टू बी सेंट टू द बैंक, उसे बैंक में सेंड करना भूल गए, तो ये ओमिटेड चेक है, ये कैशबुक की जो है ये क्रेडिट एंट्री है। कैशबुक की कौन सी एंट्री है, क्रेडिट, तो इसको हम इधर ओमिटेड चेक कर देंगे, ओमिटेड चेक, उसे हम बैंक में सेंड करना भूल गए हैं, 12,000 रुपया इधर क्रेडिट आएगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं 6 को, ऑन 27 दिसंबर, ये पांचवी एंट्री थी, मैं लिख लूं पांचवी है ये एंट्री, 6th एंट्री देखते हैं आप, ऑन 27 दिसंबर 2004 ₹700 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। 27 दिसंबर को 700 रुपए से पासबुक में क्रेडिट कर दिया गया एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के तौर पर, बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैशबुक ऑन 31 दिसंबर 2004, मगर वो सेम जो है वो 2004 में पासबुक कैशबुक में भी रिकॉर्ड कर लिया गया, और ये पासबुक में भी रिकॉर्ड हो गया दिसंबर में, और ये कैशबुक में भी रिकॉर्ड हो गया। याद रखिएगा, छह नंबर वाली जो ट्रांजैक्शन है 16वें क्वेश्चन के अंदर, इसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ना रिवाइज कैशबुक में किया जाएगा, ना जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इधर बनाऊंगा इधर भी नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक ही महीने में पासबुक में भी एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिखा हुआ है रिकॉर्डेड इन द पासबुक, और उसी महीने में 31 दिसंबर को
कैश बुक में भी रिकॉर्डिंग हो गई तो ये गलती ही नहीं है। तो लिहाजा छठी ट्रांजेक्शन को हम इग्नोर करेंगे। और सेवेंथ है जी बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। बैंक बैलेंस जो है वो कैश बुक में ये है 80,000 रुपया जो कि वाकई ही कैश बुक में आएगा। तो इधर हम लिख लेंगे बैलेंस बी डी। ये कौन सी एंट्री है? ये सातवीं। इधर लिख लेंगे बैलेंस बी डी और ये कितनी आएगी? 80,000 रुपया। ये बैलेंस ही कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। अब देखें ये जो है 85,000 रुपया बनता है। कितना बनता है? 85,000 रुपया माइनस कर देंगे इसमें से। ये बड़ी साइड है ना, इसका टोटल कर लिया ना हमने, टोटल किया है 85,000। ठीक है, 85,000 रुपये में से हम 14,000 रुपया लेस कर देंगे तो जनाब 71,000 रुपया हमारा जो है जवाब आ जाएगा। ये जो इमीडिएट चेक है ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, इसे आप इधर से मिटा लें। ठीक है, ये जो मैंने इमीडिएट चेक बोला था कैश बुक की क्रेडिट एंट्री है, ये इमीडिएट चेक जो है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। अगर रिवाइज कैश बुक दिया हुआ है तो वो इधर नहीं आएगा। ये क्रेडिट एंट्री है मगर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो लिहाजा आप 85,000 में से इस 14,000 को लेस करें तो जो बैलेंस सीडी आएगा, इसको आप बैलेंस सीडी लिख लें, वो आ जाएगा 71,000। तो 85,000 आपका इस तरह से इक्वल आ गया। ये थी रिवाइज्ड कैश बुक। ये एक नया टॉपिक है, जब भी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि रिवाइज्ड कैश बुक बनाएं तो आप बकायदा तौर पर इस तरह की कैश बुक बनाएंगे। ये रिवाइज्ड कैश बुक हो गई। अब इधर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो इधर बनाएंगे। तो इधर लिख लेंगे बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक रुपीज 71,000 और ये डेबिट है। मैं इधर मिटा दूं इनको, ये डेबिट बैलेंस है 71,000। ठीक है जी, अब जो पहली और दूसरी और ये जो पांचवी एंट्री है, बिल्कुल पहली दूसरी और पांचवी ये इसमें आएगी। पहली जो है मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पहली एंट्री है जी अनक्रेडिटेड चेक्स। क्या है? अनक्रेडिटेड चेक्स। ये 18,000 रुपए से पड़े 1,47,800 रुपए के चेक जो जमा करवाए थे बैंक में मगर 18,000 रुपए के क्रेडिट हुए जनवरी में, तो इसको हम कहेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। ये अनक्रेडिटेड चेक्स कितने हैं? 18,000 रुपए के, इधर हम क्रेडिट कर देंगे। अब ये जो बैलेंस था इधर 71,000 वो इधर आया है और वो डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट वाली रकम बड़ी थी इसलिए इसके साथ डेबिट आ गया। अब 71,000 में से हम क्या करेंगे? 18,000 को लेस कर देंगे तो ये 53,000 आपका जो आएगा बैलेंस, डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गई पहली ट्रांजैक्शन। फिर दूसरी भी इसमें है और वो है अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये हम पढ़ चुके हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स दूसरी एंट्री ऑन 26 दिसंबर चेक्स वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर फॉर रुपीज 38,000 बट आउट ऑफ देम टू चेक फॉर रुपीज 28,000 वर एनकैश्ड ऑन 3rd January के 28,000 के चेक जो है वो 28 जो है वो 3 जनवरी को कैश हुए हैं। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक जो है ये 28,000 रुपए के हैं और ये डेबिट होने हैं तो डेबिट डेबिट ऐड होता है, 28,000 जो है इसमें ऐड हो जाएगा तो 81,000 आ गया। कितना आ गया? 81,000 डेबिट। 81,000 क्या आ गया? डेबिट आ गया। तो ये 81,000 आ गया। फिफ्थ एंट्री पढ़ते हैं ओमिटेड चेक वाली और ये ओमिटेड चेक ये क्रेडिट एंट्री है। मैंने गलती से पहले इधर लिख दी थी वो इधर नहीं बल्कि इधर आनी है तो इधर हम लिख देंगे फिफ्थ एंट्री ओमिटेड चेक। ओमिटेड चेक ठीक है जी और वो कितना है जी ओमिटेड चेक? आप देख सकते हैं वो 12,000 रुपए है। 12,000 रुपए है क्रेडिट करना है। 81,000 में से 12,000 रुपया निकाल दिया तो इधर आ गया 69,000 और ये डेबिट आया। तो इस तरह से कैशबुक की मदद से हमने बैलेंस एज पर जो है पासबुक निकाल लिया और ये कितना निकला? 69,000 क्रेडिट बैलेंस निकला। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि अगर ये डेबिट है तो जब इसको एज आप पासबुक लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक तो ये क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट लिखा जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 जो है
ये मैंने सारा का सारा आपको काट दिया, जिसमें एक नई चीज आई थी रिवाइज कैश बुक, और जो एंट्रियां कैश बुक से रिलेटेड है वो डेबिट और क्रेडिट में लिख दी, और जो इनसे रिलेटेड नहीं है उन्हें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखा गया। यहाँ पर जो बैलेंस लिया गया वो यहाँ से लिया गया। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने अख्तिताम को जा पहुंचा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।